warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर हाल ही में सामने आया है। अपडेट ऐसा है जिसको जानने के बाद कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी और सुनने के बाद आप लोगों को मज़ा आएगा सीरियल की कहानी को देखने में। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ होने वाला है गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आगे। अब यहाँ पर दूर्वा को पता चलने वाला है कि उसका ईशान दादा अचानक से कॉलेज से चला गया है और कॉलेज से कहाँ गया है, सीधा पहुँच चुका है हॉस्पिटल, और वो भी एक ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल जहाँ गरीबों का इलाज होता है, जहाँ पर गंदगी है। ऐसे हॉस्पिटल में भोसले इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर ईशान भोसले पहुँच चुका है। आखिर क्यों? जब ये पता चलेगा दूर्वा को तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसके पास एक फोटो आएगा, फोटो जो उसके दोस्त ने भेजा होगा ये कहकर कि तुम्हारा भाई एक ट्रस्टेबल हॉस्पिटल के अंदर मुझे जाता हुआ दिखा, मैंने उनका पीछा करके देखने की कोशिश की कि ईशान सर ऐसे गरीबों वाले हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, तो जो मैंने देखा वो देख कर मेरे पर खच्चे उड़ गए, मैं तो अपना होश ही नहीं संभाल पा रहा। यहाँ पे दूर्वा पूछेगी कि ऐसा क्या देखा, तब वो उसे फोटो और वीडियो दिखाएगा जिसमें हारमोनियम बजा रहा होगा ईशान, वो भी सवी के आजूबा के लिए, और सवी का भाई, सवी का पूरा परिवार वहां खड़ा होके ईशान को हारमोनियम बजाता हुआ देख रहे होंगे। ये देखकर दूर्वा को इतना गुस्सा आएगा, वो सीधे वीडियो ले जाएगी और अक्का साहेब और काका साहेब को दिखाएगी और कहेगी कि देखिए किस तरीके से सभी ईशान दादा को अपने इशारों पर नचा रही है। आज उसके आजूबा के लिए ईशान दादा एक ऐसे थर्ड क्लास हॉस्पिटल में चले गए, वहां जमीन में बैठकर हारमोनियम बजा रहे हैं। ये देखकर जो सुरेखा है और जो काका साहेब है दोनों को भी बहुत गुस्सा आने वाला है और अब हालत खराब होने वाली है ईशान की। कहानी में आने वाला लेटेस्ट ट्विस्ट आप लोगों को कितना धमाकेदार लगा कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।